आपका नाम क्या है? मेरा नाम लादेन मंसूरी और मैं नैतिक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ बरेली का। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से बुलाई कि जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें नैतिक पार्टी हर एक वार्ड से बरेली में सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को उतारेगी और वो प्रत्याशी जनता के लिए 24 घंटे काम करेंगे। जीतने के बाद जनता जनार्दन के लोग जब भी उनसे मिलने जाएंगे, उनकी समस्या का समाधान होगा और उन्हें जब भी याद किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट उतारूंगा जो जीतेंगे। जब भी जनता को समस्या हो वो तुरंत फ़ोन कर सकते हैं और वो उनकी बात सुन के उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और अगर नैतिक पार्टी के मूल सिद्धांत हैं, अगर नैतिक पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, तब सबसे पहले तो शिक्षा पर सुधार किया जाएगा। आजकल स्कूलों का इतना माहौल ख़राब हो गया है कि 1 से लेकर 5 में 8 में तक प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों के, उनको ये मालूम नहीं है कि बच्चों की आप देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है, कि मुख्यमंत्री का पूरा नाम क्या है और 10वीं कै इकाई और कै दहाई होती है। बच्चों पैसे तो शिक्षक 60-60, 80-80 हज़ार सरकार दे रही है, ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और अगर नैतिक पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं तब थानों में पीड़ितों के इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके साथ अन्याय होता है, जिसको लोग मारते मारपीट करते हैं, जो अमीर लोग हैं उनके पास ताकत पैसे ज़्यादा हैं, अहदे के बल पर उन्हें सता देते हैं और मारते हैं। थाने में वो लोग जाते हैं तो पुलिस भी उनकी नहीं सुनती, उल्टा उनको धमका देती कि तुम्हें यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर देंगे। ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा और जो गरीब मजलूम भाइयों की बहन और बेटियाँ हैं जो बेचारे उनके पास पैसे नहीं हैं शादी करने के लिए, हम एक कमेटी बनाएंगे और उन बहनों की शादी अपने पैसे से कराएंगे। और बहुत से गरीब मजलूम लोग हैं जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, बहुत से अस्पतालों में पैसे न होने की वजह से डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते हैं, ऑपरेशन नहीं करते हैं, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और आजकल के बुज़ुर्गों पर कुछ परिवार के लोग ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि उनकी शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप को बड़े बूढ़ों को भगा देते हैं घर से, उनको कोई आश्रय नहीं दे रहा। उन लोगों के लिए हम एक ऐसा आश्रय खोलने की कोशिश करेंगे जहाँ पर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हो। और ऐसे बहुत से लोग हैं गांव में जो 60 साल के हो गए, वो उन लोगों की पेंशन नहीं बनी, वो बेचारे परेशान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी हम अपने कैंडिडेटों के माध्यम से उनकी सरकार तक बात पहुँचाएँगे और उनकी पेंशन बनवाई जाएंगी और विधवा लोगों की भी। और आधार कार्ड में आजकल मीरगंज में लोग परेशान हैं, BSNL ऑफिस के पास एक आधार कार्ड सेंटर खोला गया है जहाँ पर लोग जा रहे हैं तो वो जेई सेवाराम उनसे 200 से 300 रुपये मांग रहा है, और जो लोग हाथ का पंजा दिखाकर बताते हैं तो उनका वो कह देता है कल 10 बजे आ जाओ। बाकी जो लोग हैं समस्या से जूझ रहे हैं, इस संबंध में हमने SDM महोदय को शिकायत की पत्र सौंपा था कल, तो उन्होंने कहा था कि हम लेखपाल मीरगंज को कार्रवाई का आदेश देते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने